Is it, ma'am? Roll number 5. Apoorv. Ma'am, 5 ready. Late again. Ma'am. Oops. Stop Excuse making me. Excuses and go to your seat. Or kal se late aayega 7:30 ke baad mein class nahi chhod sakenge. Roll number 6. Very ma'am. बस फिर लेट हो गया. ठीक है ना यार, लेट हो गया तो हो गया. क्यों बोल रहा है बार बार इस बात को? परेशान क्यों है? गुस्से में क्यों तू इतना? यार वही रोज घर पे रोज के ड्रामे. अपूर्व बेटा जल्दी उठो, 6:15 हो गए हैं. अपूर्व उठ जाऊंगा. जल्दी उठिए, स्कूल का टाइम हो गया है. 6:15 हो गए, लेट हो जाओगे. यार तेरा जाओ ना, अपना काम करो, मैं अपना उठ जाऊंगा. अरे यार 7:45 हो गए, लेट हो गया. अपूर्व बेटा खाना ले जाओ. टाइम है मेरे पास, मैं अभी लेट हो रहा. मैं तुम्हारे बैग में रख रही हूँ. और ये एप्पल तो ले जाओ, रिसेस तक भूखे रहोगे. आप एक काम करो, जाके अपनी पूजा करो उसके ड्रामा. यार तो फिर तू जल्दी उठ जाएगा ना, जब तेरी दादी उठाती है. वो तेरी इतनी केयर करती है. क्या केयर करती है यार? ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ. जब उन्हें दिख रहा है मैं सुबह लेट हो रहा हूँ, फिर भी मुझे बार बार टोक रही है. मतलब कितनी इरिटेटिंग है यार. तू पागल है क्या? उनकी रिस्पेक्ट किया कर. वो हमारी इतनी केयर करती है. उनकी लाइफ में उनके बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम होते हैं यार. वी आर लकी टू हैव देम. देख तू रहने दे, घर पे उनकी बकवास सुनो और यहाँ पे आके तेरी बकवास सुनो. ओपन योर बुक्स टू पेज नंबर 47. ठीक. देख मुझे बहुत भूख है, मैं खाना खा रहा हूँ. मैम देखना बता दी. अपूर्व इज दैट योर टिफिन? तुमसे रिसेप्शन तक वेट नहीं होता. अगली बार ये देखना, आई थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास. नाउ सिट डाउन. दादाजी वो आप मेरी बुक दे दीजिए, कल यूटीएम है. हिस्ट्री का? हाँ दादाजी हिस्ट्री. मैं कुछ मदद कर दूँ? रहने दीजिए दादी, मुझे फेल ही हूँ. अपूर्व टू योर ओन पेपर. ओके स्टूडेंट्स, योर टाइम इज अप. स्टॉप राइटिंग. अरे अभी तक कुछ नहीं लिखा, आप क्या लिखो बेटा? आर यू डेड? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? इतनी देर से तुझे बुला रहा था, अपना केस आ रहा था, मेरा क्या? यार मैं अपना पेपर कर रहा था. वैसे भी तुझे पता है दादाजी कहते हैं चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है. मार्क्स आ भी गए तो क्या फायदा, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है यार. देख अब एक काम कर, अपना लेक्चर अपने पास रख. Good afternoon everybody, sit down. I'll check your papers. Roll number 3. Roll number 4. You got the highest roll. No. Roll number 5. Passing by just one mark. It's high time you start studying. चल यार पास हो गया वही काफी. मैं समर ब्रेक में सिंगापुर जा रहा हूँ. मैं अपने नाना नानी के पास जा रहा हूँ, बहुत मजे आते हैं वहाँ पे. यार जब पिछले साल की छुट्टियों के बारे में सोचता हूँ ना मैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है. पिछले साल की छुट्टियों में दादी का नी का ऑपरेशन हो गया और हमारी छुट्टियाँ हो गई. क्या हम कहीं नहीं गए? क्या हुआ? छुट्टियाँ तो आती रहती है यार. चल चल वो छोड़, चल चल ठीक है ना, मिलते हैं छुट्टी के बाद. बाय. दादी की तरह बात करना प्लीज बंद करो. हम आप छुट्टियां बनाने जा रहे, कोई बीमार नहीं छोड़ना जा रहा है. अच्छा ठीक है, वैसे भी उन्हीं ने बर्बाद करी थी पिछली छुट्टियां. हाँ तो क्या हुआ, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते? वो मेरे माँ बाप है. इतना सारा सारा दिन मेरा उन्हीं की सेवा में निकल जाता है. कभी इनके डॉक्टर, कभी इनकी दवाइयाँ. मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है करने के लिए.
आप दोनों ना छोड़ो, आप ना एक आप पैकिंग करो और पापा अपनी और एक दो और पूछ लें। अगर उन्हें हम इतना ही बोझ रखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें और तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पर इस उम्र में हम जा भी कहां सकते हैं? हमें सविता की तरह किसी वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए, वहां हमारे जैसे लोग रहते हैं। पर क्या ये सही रहेगा? हम उन्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो कौन सा हमारे यहाँ रहने से खुश है? हम जाएंगे तो उनका बोझ हल्का होगा। शायद तुम सही कह रही हो, यही ठीक रहेगा। ये मम्मी पापा कहाँ गए? इतनी शाम हो रही है। ये लेटर पापा। हाँ तो ठीक है, उनकी मर्जी, जहाँ जाना है जाए। हमने उन्हें थोड़ी ना बोला था जाने, वैसे मुझे तो छुटकारा ही मिल गया उनसे। पर कम से कम हमें एक बार उनसे जाके मिल तो लेना चाहिए। पता नहीं किस हाल में होंगे वहाँ पे। कोई जरूरत नहीं है, जहाँ उन्हें रहना है उन्हें रहना। व्हाट, बी लेट हो गया? बी लेट यार, सुबह मम्मा उठाती नहीं है, खुद ही लेट उठती। तो तू खुद उठ जाएगा यार। अच्छा चल, वो छोड़, खाना लाए। हाँ पता नहीं क्या लाए, डिशेज में खाएंगे। अरे डिशेज के लिए मैं पैसे लाऊं? देख वो मम्मा मेरी यार, तू जानता है आजकल पैसे देती है, लंच नहीं। लेकिन पहले तो तू रोज लंच लेके आता ना, अब क्या हुआ? अरे बताया तो था वो दादी की ओल्ड एज होम जाने वाली बात, पहले तो वो बना देती थी, आजकल तो घर जाके भी ठंडा खाना मिलता है। ओ हाँ, अब तेरे को उनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई। हाँ मम्मा, आपको नहीं लगता था जब दादा दादी होते थे सब कुछ अच्छी तरह मैनेज होता था? हाँ, को तुम्हारे पापा भी यही बोल रहे थे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि कल चलते हैं और उनको ले आते हैं। इनफैक्ट मुनीश भी अपने दादा दादी के साथ रहता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ये तू क्या कह रहा है बेटा, हम वापस कैसे आ सकते हैं? हाँ हम सच में चाहते हैं कि आप वापस हमारे साथ घर चलें। नहीं, हम तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? किसने कहा आप हम पर बोझ हैं? बल्कि आप तो हमारे परिवार को जोड़ने वाली कड़ी हैं। बुढ़ापे में हम आपका सहारा नहीं बल्कि आप हमारी जिंदगी का सहारा है। हाँ लेकिन दादी पर आपको जैसे हिस्ट्री बैठी पड़ी।